कम से कम 6 महीने लगेंगे। पूजा, मैंने सैकड़ों केसेस हैंडल किए हैं, 6 महीने में पति और पत्नी के बीच कोई ना कोई समझौता हो ही जाता है, और तुम्हारे केस में भी यही होने वाला है। हां पूजा। हाय पूजा। हाय रीता। अच्छा, 10th। क्या बात है राज? Heads or tails? क्या? Heads or tails? Heads. Heads, thank God. फिर भी न जाने डर क्यों नहीं जाता पूजा? कैसा डर? कैसा डर? पूजा जानती हो, इस वक्त एक रिकॉर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में मेरी पहली रिकॉर्ड छप रही है। Really? Yeah. कुछ ही दिनों में रिकॉर्ड इस शहर के, इस देश के हर रिकॉर्ड बेचने वाली दुकान में पहुंच जाएगी। लोग पहली बार मेरी आवाज सुनेंगे। अगर उनको मेरी आवाज पसंद आई, मेरे गाने अच्छे लगे और रिकॉर्ड बिकी, तो मैं स्टार बन जाऊंगा। वरना बैक टू मुंडन सेरेमनी। ओह माय गॉड। मुझे यकीन है तुम्हारा रिकॉर्ड जरूर बिकेगा। सच पूजा? ऑफ कोर्स। पूजा, भगवान से दुआ मांगो मेरा रिकॉर्ड चल जाए और मैं स्टार बन जाऊं। मैं दुआ मांगती हूं कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे और तुम बहुत मशहूर गायक बनो। और देखो, वो परफ्यूम लाना नहीं भूलना। अच्छा, प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप पूजा को बुला सकती हैं? ओके। जल्दी प्लीज, जल्दी। मेरा नाम राज है। पूजा जी, वो अभी अभी डाइनिंग रूम में खाना खाने गई है। खाना? नो नो नो, नहीं पूजा, नहीं। क्या हुआ? तुम्हें खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकती? मैंने खाना, चलो। तुम तो मुझे इस हॉस्टल से निकलवा के रहोगे। इस तरह डाइनिंग रूम में घुसा है, जानते नहीं ये लेडीज हॉस्टल है? सॉरी। इस बदतमीजी की वजह। अरे ये देखो। क्या? ये गाड़ी मेरी है, मेरी। मतलब? I have become a star, पूजा, a star. No. Yeah. इस बदतमीजी की यही वजह है। और आज आपका लंच संगीत की दुनिया के नए मशहूर होनार कलाकार राज के साथ है। And बड़ा पाव नहीं है। It's gonna be a grand, grand lunch. इतने थोड़े से वक्त में इतनी कामयाबी हासिल करना कैसा लगता है? कामयाबी बड़ी अजीब चीज है पूजा। क्यों? सिर्फ एक रिकॉर्ड की कामयाबी से गाने वाले की जिंदगी बदल जाती है। अचानक बहुत से लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। अब ये देखो ना, एक आदमी एक गाड़ी की चाबी दे गया सिर्फ एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। दूसरा आया, यूरोप के टूर पर ले जाना चाहता है और उसके बदले में एक बड़ा सा फर्निश्ड मकान देगा मुझे। और दो बड़ी रिकॉर्ड कंपनियां आपस में लड़ रही मेरे अगले रिकॉर्ड के लिए। ये सब तुम्हें खुशी नहीं देता? खुशी तो बहुत होती है पूजा, लेकिन कुछ दिनों से दिल कुछ और ही मांग रहा है। और ऐसा लगता है कि ये कामयाबी, शौहरत, नाम मेरे उस दिल की मांग को पूरा न कर पाए। इतना सब कुछ पाकर अब और क्या मांग रहा है तुम्हारा दिल? गुड आफ्टरनून सर। ड्रिंक्स। पूजा कौन कहता है मुझे शराब नहीं मिल सकती? मैनेजर को बुलाओ। सॉरी सर, द बार इज क्लोज्ड। प्लीज। अरे खुलवाओ यार, शराब नहीं मिल सकती। अरे छो यार, मैं ठीक हूं। पूजा। हाय पूजा, कैसी हो? अच्छी हूं। अच्छी हो? अच्छा है। इंदर, ये राज हैं। हेलो। हम पहले भी मिल चुके हैं। हाँ, वो पार्टी में बहुत अच्छा गाती हो तुम। चलिए, पर ना इंतजार कर रही होगी। बाय पूजा। इंदर पगलों क्यों? चुप कर। पूजा,
परना को मेरा प्यार देना, अनिल को भी। गुड डे मैम। गुड डे बाय राज। हरीश इतना शर्मिंदा हो रहा था। आप दोनों अपनी खुशबू जरा बंद करेंगे, आपको मालूम है रिकॉर्डिंग होने वाली है। पूजा बता रही थी कि आज लंच पर उसकी मुलाकात इंदर से हुई। अच्छा, कैसा है वो? नशे में था, चेहरे पे थकावट और परेशानी थी। राज को मेरे साथ देख के शायद फैसला कर लिया कि ये मेरा आशिक है। पूजा, तुम कैसे जानती हो कि जो उसने सोचा वो सच नहीं है? झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा ससरी दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं था, जो सच बात थी मैंने कह दी। पूजा मैं तुमसे, राज तुम बहुत अच्छे आदमी हो, नेक सच्चे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूं पूजा, सिर्फ यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार, इस लफ्ज का मतलब मैं नहीं जानती। प्यार को जानने या समझने की जरूरत नहीं होती है पूजा, सिर्फ महसूस करना ही काफी होता है। लेकिन मैं कुछ महसूस नहीं करना चाहती, मैं बगैर किसी एहसास के जीना चाहती हूँ। मुझे जीने दो राज, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे।
प्लीज। अरे भाई तुम यहाँ? ओ अभी तक अंगूठा नहीं छोड़ा, कैसी हैं आप? मैम साहब हिम्मत वाली हैं आप, यहाँ अकेले रहती है? बराबर तो है। अच्छी, बहुत अच्छी। आपका पता बहुत ढूंढा, बाद में परना मैम साहब से मिला। आपके जाने के बाद बहुत फिक्र लगी आपकी, ये तो रोज रोज पूछती थी मैम साहब किधर है, मैम साहब किधर है करके, आपके घर चलने का हट करती थी। आप कहाँ ढूंढने का आपको? अच्छा अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुई इनकी? उसी के वास्ते आई हूँ मैम साहब, स्कूल का दाखला आज से शुरू होने का है। आप मेरे साथ चलो ना, वहाँ लोग अंग्रेजी में बात करता है, मेरे को कुछ नहीं समझ आता, और वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे आते हैं पढ़ने को, मेरे को देख कर इसको नहीं लेंगे तो? आप चलेगी तो काम होगा मैम साहब। कौन सा स्कूल है? वो पुराने घर के बाजू वाला है ना, कौन सा? कॉन्वेंट। अच्छा चलो। बच्चे की माँ नौकरानी है? उससे क्या फर्क पड़ता है, दाखले के जितने टेस्ट हैं वो तो इसने पास कर लिए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल में एक नया विंग बन रहा है, उसके लिए 1000 रुपया चंदा दाखले की शर्त है, वो तो ये देनी है।